अब मैया कैकेयी के समक्ष वो पल है जब माँ कैकेयी ये बात जानती हैं, ये अंतिम बार है जब मेरा भरत मुझे माँ कहकर बुला रहा है। जरा माँ कैकेयी के हृदय की उस असमंजस को जरा समझिएगा, एक कैसी पीड़ा रही होगी, एक कैसा मजबूत हृदय माँ ने बनाया होगा, क्योंकि माँ कैकेयी भली प्रकार जानती हैं, अब मैं जो बात अपने भरत को बताने जा रही हूँ, ये सुनने के बाद मेरा भरत सदा के लिए मेरा मुख देखना भी छोड़ देगा। मैया कैकेयी को बोल देना बहुत आसान है भैया, पर अगर गंभीरता से उनके पात्र को समझा जाए ना, तो किसी के वश की बात नहीं है जो माँ कैकेयी जैसा त्याग कर सके। मैया कैकेयी ने अब बताना शुरू किया, राम को याद कर रहे थे, भरत जी ने पूछा क्यों याद कर रहे थे, भैया कहाँ थे। अब मैया कैकेयी ने कहा, पुत्र तेरे जाने के बाद अयोध्या में बड़ी रचनाएं रची गईं, तेरे खिलाफ मेरे खिलाफ बड़े षड्यंत्र बनाए गए, पर क्या करूं बेटा, मैंने भी अपने पूरी बुद्धि का प्रयोग करके जो बात बिगड़ रही थी सब बनाया। पुत्र मैंने तेरे लिए गद्दी मांग ली और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास सुनिश्चित कर लिया। इतना सुनते ही भैया भरत भरत ही बिसरे उपितु मरण, सुनते राम बन गौन। श्री भरत जी महाराज को पिताजी के मृत्यु की बात भूल गई, विस्मृत हो गई। क्यों हो गई? जैसे ही राम जी के वन चले जाने की बात सुनी, स्मरण रहे। जीवन में जब कोई बड़ा दुख आ जाए तो इंसान अपने छोटे दुख को भूल जाता है। पिताजी का ना रहना भरत जी के लिए दुख है, पर राम जी का वन चले जाना ये भरत जी के लिए महादुख है, महाविपत्ति है। श्री भरत जी महाराज स्वयं को किसी तरह संभाल कर पहला प्रश्न कैकेयी मैया से करते हैं, अरे कैकेयी कौन है तू? मां नहीं कहा, कैकेयी कौन है तू? तू माँ कहके ही नहीं हो सकती है, क्योंकि एक माँ का हृदय इतना कठोर नहीं होता। वो भी अगर राम जी के जैसा पुत्र समक्ष हो तो ऐसी पाषाणता तो कोई माँ दिखाई नहीं सकती। तू माँ नहीं हो सकती, तू सच बता कि तू है कौन? कहके ही जिस वक्त तू मेरे भैया के लिए ये वर मांग रही थी, उस समय तेरी जीवा कट के गिर नहीं गई? कीड़े नहीं पड़ गए? तुझे जरा भी ग्लानी नहीं हुई? अरे कैकेयी, इतना बड़ा कलंक अगर इस भरत के माथे पर लगाना था, उचित होता कि जब तेरे गर्भ में आया मेरी हत्या कर दी होती। आज ये राजद्रोह का कलंक इस माथे पर ना लगता। मैं अयोध्या की गलियों से होकर आया, आज कोई मेरा मुख नहीं देखना चाहता। कैकेयी, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो इस भरत को कहीं का नहीं छोड़ा। आज इस अभागे भरत की वजह से मेरे पिता का प्राण निकला, आज इस अभागे भरत की वजह से भैया वन की ठोकरें खा रहे हैं। तूने क्या अनर्थ कर दिया कैकेयी? बारंबार भैया के मैया कैकेयी को भैया भरत ने बहुत कुछ कहा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग आधी अधूरी बातों को सुनकर पढ़कर निर्णय सुनाना शुरू कर देते हैं जो उचित नहीं है। किसी ने कहा भरत जी के जैसे संत ने अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द बोले, तो गोस्वामी जी की एक रचना का स्मरण करिएगा। गोस्वामी जी महाराज ने एक रचना लिखी है जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वे देही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेह। ऐसा नहीं है कि भैया भरत ने माँ का त्याग बस किया है, अनेक भक्त हुए जिन्होंने उन सब को छोड़ दिया जिन्होंने राम को छोड़ा था।
पिता तज्यो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत, ब्रज बनि तनि भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वै देही। किसी ने अपने पिता को छोड़ा, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, विभीषण जी ने भाई का परित्याग कर दिया, अरे ब्रज की बालाओं ने तो अपने पति तक का त्याग कर दिया। कन्हैया के पास पहुंची बांसुरी की धुन सुनकर कान्हा ने कहा, गोपियों इतनी रात्रि में तुम्हें अपने पतियों की सेवा में होना चाहिए, तुम यहां क्या कर रही हो? गोपियों ने एक प्रश्न कन्हैया से किया, नाथ एक सवाल हम पूछती हैं उसका उत्तर देना, एक बात बताओ, अगर पति कहीं परदेश जा रहा हो तो पत्नी का धर्म होता है कि पति के फोटो की पूजा करके भी वो पति का सम्मान अर्चन करती है, पर अगर एक दिन वो अपने पति के फोटो की सेवा कर रही हो और उसी बीच उसका पति आए दरवाजा खटखटाए तो उस वक्त उस पत्नी को क्या करना चाहिए? जैसे ही यह बात प्रभु ने सुनी, प्रभु ने कहा, गोपियों अगर वास्तविक पति समक्ष खड़ा है तो फिर फोटो की पूजा करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर असली पति समक्ष है तो फिर फोटो की पूजा क्यों करना? गोपियों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये जो घर पे पति है ये नश्वर हैं, इनकी मृत्यु के बाद हमें वैधव्य का दुर्भाग्य भोगना पड़ेगा, आप तो हमारे जगत पति हो, आप बताओ एक फोटो के लिए क्या हम अपने असली पति का त्याग कर दें, अपने पति परमेश्वर के रूप में आपके चरण को क्या ना हम ना पूजें? आप तो जगत के स्वामी हो तो हमारे स्वामी हो प्रभु, और आपके चरणों को छोड़कर भला अब हम कहाँ जाएंगे? ये उनका भाव था। भरत जी ने माँ का परित्याग कर दिया। लोग कहते माँ के लिए ऐसे शब्द बोलना, पर भरत जी के ऐसे शब्द बोलने के पीछे भी कारण है, पहले वो कारण को समझिए। भरत जी ने जब इतना क्रोध किया, इतनी कटु बातें जब मैया को बोली, अब मैया कैकेयी मन ही मन पछताने लगी, अरे भरत मैंने आपके मोह में अपने राम जैसे बेटे को जंगल में भेज दिया भरत, और बताओ जिसके लिए मैंने सब किया मेरा वही बेटा मुझे इतनी बातें सुनाता है? भरत तुमसे अच्छा तो मेरा वही बेटा था जो वन में चला गया पर मुझसे पूछा भी नहीं कि माँ मेरा दोष बता दे, मेरा राम तुमसे अच्छा बेटा था। भरत मैया कैकेयी मन ही मन ये पश्चाताप कर रही हैं। उस समय भरत जी ने अपने मन में कहा, माँ मैं सदैव यही तो चाहता हूँ कि जीवन भर तेरे लिए तेरा राम बेटा ही सबसे पहले रहे। भरत जी का क्रोध माँ कैकेयी के मन को पुनः राम जी से जोड़ने के लिए है। संत का क्रोध सदैव भगवान से मिलाने के लिए होता है, भगवान से दूर करने के लिए नहीं होता। हमारे जीवन का क्रोध ये होता है, हम उन पर क्रोध करते हैं जो भजन करे, तुम्हें दिन भर और कोई काम नहीं है क्या, घर पे और कोई कार्य नहीं है? हमारे जीवन का क्रोध हमारे जीवन को बिगाड़ता है, पर भैया भरत के जीवन का क्रोध ऐसा जिन्होंने बिछड़ी हुई माँ कैकेयी को चित्रकूट में राम से मिला दिया, ये एक संत का स्वभाव है। जैसे एक बहुत सरल अर्थ में समझिए, आग से घर जलता है कि नहीं जलता? बोलिए, अग्नि से घर जलता है ना, पर अग्नि से ही घर चलता भी है। आपके घर में अगर अग्नि ना हो, चूल्हा ना जले, क्या घर चलने वाला है? जिस अग्नि से घर जलता है उसी अग्नि से घर चलता है, लेकिन घर को चलाने वाली अग्नि एक दायरे में होती है तो वो घर चलाती है, जब उस दायरे को तोड़ देती है तो घर को जला देती है। ठीक उसी प्रकार हमारे आपके जीवन का क्रोध चूल्हे की बाहर की अग्नि है जो हमारे जीवन को जलाकर राख करती है। ये भरत जी के क्रोध की अग्नि है जो एक ऐसी सीमा में है जो राम से दूर है उन्हें राम से जोड़ देती है। ये भरत जी के हृदय का प्रेम है।
मैया केकई को आज ग्लानी भी हो रही है, पछतावा भी है। भैया भरत ने बहुत कटु शब्द बोले, इसी बीच मंथरा बनी ठनी आई। मंथरा को जैसे ही देखा शत्रुघ्न जी ने प्रहार किया, उसकी कूबर टूट गई, दूर जाकर गिरी, रोने लगी। अरे मैंने क्या बिगाड़ा किसी का, बताओ मैंने भला किया और मेरे ही साथ बुरा हुआ। मैंने आपसे कल या परसों में एक निवेदन किया था, आपका कोई भी कार्य करने के पीछे का उद्देश्य सुनिश्चित करेगा कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं कि बुरा कार्य कर रहे हैं। मंथरा पर प्रहार करने लगे, भरत जी कहते हैं भैया इस पर प्रहार करने से क्या फायदा, इसकी तो कोई गलती ही नहीं है, इस पर मत प्रहार करो शत्रुघ्न। भैया शत्रुघ्न ने कहा भैया ये सब कुछ इसी का रचा हुआ है, अगर ये नहीं होती तो आज अयोध्या में ऐसा अनर्थ नहीं होता। भरत जी ने कहा भैया उसका कोई दोष है ही नहीं, अरे वो तो शुरू से भैया को प्रेम नहीं करती थी, यहां तो धोखा जीवन भर प्रेम करने वालों ने दिया है। जो जीवन भर राम के अपने थे उन्होंने आज हमारे साथ घात किया है, एक मां ने आज घात किया है शत्रुघ्न, मंथरा का कोई दोष नहीं है, छोड़ दो इसे। मंथरा को छोड़ दिया। शत्रुघ्न जी से कहते हैं चल भैया हम ना हम अपनी मैया कौशल्या के पास चलते हैं, अब यहाँ हमारा कोई नहीं है। वो अंतिम बार था जब मैया केकई के भवन में भरत भैया गए थे, इसके पश्चात कभी नहीं गए, ना माँ कहकर बोला। राज्याभिषेक के समय पूरी अयोध्या नाच रही है, गा रही है, एक कोने में खड़ी होकर मेरी माँ केकई रो रही थी। राम जी आकर कहते हैं माँ सब प्रसन्न है, देखना अब तेरे मन की हो गई, तेरा बेटा राजा बन गया, माँ अब क्यों रोती है, क्यों अश्रु बहा रही है। मैया केकई कहती हैं राम सबने मुझे क्षमा कर दिया पर मेरे भरत ने मुझे आज तक क्षमा नहीं किया। राम 14 वर्ष की अवधि बीत गई, राम मेरे कान तरस गए हैं कि मेरा भरत मुझे एक बार बस माँ कहकर बुला दे। राम जी ने कहा माँ तू चिंता मत कर, मैं अपने भरत को जानता हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा, अभी जाता हूँ मैं भरत से बात करता हूँ। पहुंची प्रभु श्री राम भरत भैया के पास पहुंचे, जाकर कहने लगे भरत भैया आज अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे दोगे। भरत जी ने कहा प्रभु मेरे तन की चमड़ी भी अगर उतार के आपके पैरों की पादुका बनानी हो, पनही बनानी हो तो मैं बनाने को तैयार हूं, दास से जो भी मांगो प्रभु प्राण भी मांग लेना सहर्ष दे दूंगा, बस दास की एक भिक्षा को पूर्ण कर देना। हे प्रभु सब कुछ मांगना, बस मुझसे ये मत कहना कि मैं केकई को माँ कहूँ, सिर्फ ये मत मांगना, सब कुछ मांगो सब दे दूंगा। अब विचार करिए इसके बाद राम जी के पास कौन सा शब्द रह जाता है कि वो भरत जी से कुछ कहें, कुछ नहीं बोल पाए राम जी, ये भरत जी हैं। कौशल्या माँ के महल में कक्ष के बाहर पहुंचे, दूर से ही द्वार से ही भरत जी ने एक बार कहा माँ, जैसे शाम को लौटी हुई गैया बछड़े की आवाज सुनकर दौड़ पड़ती है, भरत जी की आवाज सुनकर माँ कौशल्या दौड़ पड़ी, पर शरीर में ताकत नहीं है, जाते जाते आधे मार्ग में ही गिर गई। भरत जी दौड़ कर आए, मैया को उठाया है, आसन पर बिठाया, हृदय से लग गए और गोद में सर रख कर भरत जी ने रोना शुरू किया, माँ जननी सत्य कहता हूं, ये केकई ने जो कुछ भी किया इसमें मेरा मनसा वाचा कर्मणा रंच मात्र का भी कोई सहयोग नहीं है, माँ मेरी बातों का विश्वास कर लेना। ये भरत सत्य कहता है माँ, अगर मन से भी मैंने इस रचना में कोई सहयोग दिया हो माँ, संसार के जितने पाप होते हैं सारे पाप को ये भरत अकेला भोगे,
28 नरक है माँ, हर नरक को ये भरत कल्प कल्प तक भोगे अगर मेरा मन से भी ऐसा कुछ योग रहा हो। मैं सच कहता हूँ माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं, मैं जानता भी नहीं कैकेयी ने ऐसा क्यों किया, बस मैं अभागा, मेरी इतनी सी गलती है माँ कि मेरा जन्म इस रघुवंश में हो गया। अगर मैं इस धरती पर और इस युग इस कुल में जन्म नहीं लेता ना माँ, तो ये कैकेयी के मन में मुझे राजा बनाने की बात ही ना आती, और अगर राजा बनाने की बात ना आती तो आज भैया वन में नहीं होते माँ, आज पिताजी हमारे साथ होते। तो मुझ अभागे का दोष सिर्फ इतना है कि मैंने जन्म लिया, मैं जन्म लेते ही मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ, बस मेरा इतना सा दोष है माँ। इसके अलावा सत्य कहता हूँ माँ, तेरे चरणों की सौगंध भरत ने कुछ नहीं किया। मैया कौशल्या ने जब नरक वाली बात सुनी, मैया कौशल्या ने भरत लाल के मुख पर हाथ रख लिया, पुत्र कौन कहता है कि तू दोषी है, और बेटा सच कहती हूँ, ये राम माता कौशल्या के वचन है भरत। अगर संसार में किसी ने विचार में भी ये बात लाई कि राम वन गमन के पीछे कैकेयी या भरत का दोष है, राम माता कौशल्या कहती है, हृदय से कहती है, उसे कल्प कल्प तक नरक में भी ठौर मिलने वाली नहीं। मेरा भरत एक बार को गंगा जी के जल में अपवित्रता आ सकती है, पर मेरे भरत के मन में कभी कोई मैल नहीं आ सकता। एक बार ये संभव है सूर्य प्रकाश के बजाय अंधकार देना प्रारंभ कर दे, पर मेरा भरत राम से बैर कर ले, ये संसार में कभी संभव नहीं है। मैं अपने भरत को जानती हूँ, मुझे पता है। श्री राम कथा में आप अगर तुलना करने बैठेंगे ना कि किसी एक पात्र के त्याग और प्रेम को बढ़ाकर देखा जाए किसके भीतर ज्यादा था, आप फेल हो जाएंगे, आप हार जाएंगे। इस श्री राम कथा में जिसने एक शब्द भी नहीं बोला, वो शत्रुघ्न भैया का पात्र भी इतना त्याग से भरा हुआ है, हम जाने भले ना, पर उनके त्याग का वर्णन भी करना किसी के वाणी के वश की बात नहीं। जो तपस्या जो तप राम जी जंगल में कर रहे, लक्ष्मण जी जंगल में कर रहे, भरत जी नंदी ग्राम में रहकर कर रहे, वही तप मेरे भैया शत्रुघ्न ने अयोध्या के राजमहल के भीतर रहकर साधा है। ऐसा नहीं था कि वो अयोध्या में राजमहल में थे तो शत्रुघ्न जी राज सुख भोग रहे थे, बाकी तीन भैया वन के कष्ट सह रहे थे, नहीं, ये तो छोड़ के चले गए। लेकिन शत्रुघ्न जी के त्याग की पराकाष्ठा समझिएगा, छोड़ा नहीं, उसी के भीतर रहकर उससे अलग रहे, ये त्याग शत्रुघ्न जी ने किया। भैया भरत मैया से कहते हैं, माँ, भैया कब आएंगे, मेरी वजह से भैया चले गए, ये 14 वर्ष की अवधि तो बड़ी लंबी हो जाएगी माँ, इतने दिन तक हम अपने भैया के बिना कैसे रह पाएंगे। भरत जी माँ से कहते हैं, 14 बरसिया की अरे दिन कब सी रही है, बताव जननी, बताव जननी, राम कहिया ले आए हैं, बताव जननी, राम कहिया बताव जननी राम कहिया ले, बताव जननी।
राम के वियोग में भोग न भावे, 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 भूखियो न लागे रात निंदियो न आवे, झड़ बगिया कोयलिया न बोले, पतझड़ बगिया कोयलिया न बोले, पतझड़ बगिया कोयलिया न बोले, पतझड़ बगिया कोयलिया न बोले, फूलवा न फूले भंवरवा भगवान डोले, फूलवान फूले भगवान डोले, फूले भगवान डोले, प्यास नयन वालो प्यास नयन वा के कब लो जुड़ई है, बताव जननी राम कहिया ले, बताव जननी राम के सनेहिया में दहिया सुखानी, 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 जैसे पपीहा बिकल बिनु पानी, 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 भैया भरत कब लो, भैया भरत कब लो सुआ भाई है, जननी राम कहिया ले, बताव जननी
भरत। मैया कौशल्या के समक्ष एक छोटे से शिशु के भांति रो रहे हैं। जब भैया भरत को इस तरह से रोते हुए मां कौशल्या ने देखा, मां ने अपनी अधीरता छोड़ दी